हाय एवरीवन, तो चलिए मेरे साथ मिलकर के बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया एनिवर्सरी का केक, जिसका मैंने बेस रेडी करके रखा हुआ था और एक लेयर मैंने उसको करके फ्रिज में रख दिया था। ये चॉकलेट केक है और इसके अंदर मैंने साथ में फ्यूज़न किया है स्ट्रॉबेरी का। तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी अपने आप में बहुत ही रॉयल कॉम्बिनेशन होता है, बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन होता है। तो चॉकलेट के अंदर यूजुअली फिलिंग भी इसी चीज़ की जाती है। तो अब मैं इसके ऊपर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लेयरिंग, ताकि मेरा केक जो है बहुत बढ़िया सा बन सके। तो मेरा आज का केक का कलर है ब्लू और इसको अब हम रेडी करने जा रहे हैं तैयारी करके। आइसिंग करते वक्त वैसे तो हम विद दी हेल्प ऑफ स्पैचुला इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाइपिंग बैग की हेल्प से आइसिंग करेंगे तो आपकी क्रीम सब तरफ यूनिफॉर्म तरीके से फैलेगी और आपका जो केक का टेक्सचर है, जो केक का मतलब कोटिंग होगी, वो एकदम परफेक्ट होगी। तो आपकी केक जो है कहीं पर भी, आपकी क्रीम जो है कहीं पर भी छूटेगी नहीं, अच्छी तरह से सब तरफ स्प्रेड हो जाएगी। तो आप भी पाइपिंग बैग का हेल्प ले सकते हैं अगर आप केक के ऊपर क्रीम लगा रही हैं, फाइनल लेयरिंग कर रही हैं। इससे क्या होता है कि हमारी केक के ऊपर क्रीम जो है पूरी यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड होती है। ऐसे ही मैं टॉप लेयर पे भी कर देती हूँ सब तरफ इस कलर को, और उसके बाद हम स्पैचुला की हेल्प से, पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको जो है पूरा फैला लेंगे। एंड हियर वी गो। और अब हम इसको कर देते हैं स्प्रेड सेट अच्छे से, और इसके ऊपर मैं करने जा रही हूँ बाद में ब्रश का डिज़ाइन, जिससे ये और भी सुंदर दिखेगा। तो अगर आपको ब्रश का डिज़ाइन करना है तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रश का डिज़ाइन ऐसे भी बहुत सुंदर दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ स्प्रेड अच्छे से। तो जब भी आप पैलेट नाइफ से काम कर रही हैं, पैलेट नाइफ को स्ट्रेट नहीं केक के ऊपर रखा जाता, पैलेट नाइफ को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा जाता है। उससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर भी आपकी क्रीम रह गई है, जहाँ जहाँ भी गैप्स आ रहे हैं, आपकी क्रीम जो है उसमें फिल हो जाएगी और हमारी जो लेयर है वो एकदम स्मूथ होकर के निकलेगी। तो हमें क्या करना है, पैलेट नाइफ को रखना है थोड़ा सा टिल्ट करके, और जितनी भी क्रीम अब ऊपर उठ करके आई है इसको भी थोड़ा सा पैलेट नाइफ को टेढ़ा करके ही, पूरा नहीं चिपकाना, थोड़ा सा टेढ़ा करके हम रखेंगे, और फिर जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम आई है इसको हम उठा लेंगे, ताकि हमारी क्रीम जो है बाहर आ सके, बीच में मर्ज ना हो। बीच में होगी क्योंकि एक्स्ट्रा क्रीम है, तो आपको बार बार इसको निकालना पड़ेगा और आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए इसको आप बाहर ही उठा लीजिए, निकाल लीजिए, और फिर इस तरह से जो है हमारा केक की फिनिशिंग जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से हम जो है सारी एक्स्ट्रा क्रीम को बाहर कर लेते हैं। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ इस रबड़ वाले ब्रश को डिज़ाइनिंग के लिए, ताकि अच्छे से डिज़ाइन हो सके, और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन जो है मेरे केक के ऊपर बन करके रेडी होगा। देखिए कितनी प्यारी लाइन्स आ रही हैं इसके ऊपर। हम ब्रश को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको ऊपर की तरफ ले चलेंगे। ऐसे ही रहेंगी हमारी ऊपर से लाइनिंग्स बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए, और इससे हमारी लाइंस जो हैं बहुत सुंदर, हमारा डिज़ाइन बन करके रेडी हो जाएगा एकदम ब्यूटीफुल सा। तो ये मेरा बेस जो है एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है, और चलिए कर लेते हैं इसकी डेकोरेशन। एंड यस, सबसे पहले मैं इसके ऊपर देने जा रही हूँ फ्लावर्स। बहुत सुंदर सा डेकोरेशन हम इसका करेंगे आज के केक का। दिस इज़ एन एनिवर्सरी केक इन 2 kg, तो आज मैं वही बना रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको केक मेरा देखने में, बताइएगा ज़रूर। और ये है आज का स्पेशल इफेक्ट विद दिस अम्ब्रेला, एंड हमारा केक जो है बन करके रेडी हो गया है।
तो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि हम देख सकें और समझ सकें कि हमारे केक को टेस्टी और सुंदर बनाने में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा केक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे दीजिएगा एक सब्सक्राइब और लाइक, ताकि इस तरह के बहुत सारे यूनिक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। और हमारा आज का केक एकदम परफेक्टली रेडी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू एवरीवन। Stay tuned with Jagdamba Baking Delicacies and Swati Dhawan Food and Decor.